आज देश में सबसे दुखांत एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया है और ये पूरे देश को हिला के रख दिया है, पूरे हृदयों को जख्मी करके रख दिया है। और मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि क्या सोच के फैसला किया, क्या समझ के फैसला किया, क्या काश ये फैसला करते समय हमारे हालात को जाना होता, गरीबों की बस्तियों में गए होते, हमारे ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, हमें जमीनों से घरों से उठा करके जो भगाया जा रहा है, जो बेटियों के साथ रेप हो रहा है, जितने कत्ल हो रहे हैं, जितने जुल्म हो रहे हैं, इसकी शायद दास्तां आपको मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आपको ये साजिश के तहत आरएस का झंडा चलाने के लिए ये बीजेपी की सरकार ने सबसे बड़ा हमला दलितों के ऊपर किया है। जो दुखांत है, ये फैसला करने से पहले शायद तुम गरीब की बेटी बनके गरीब की बस्ती में जिए होते, तेरी माँ ने सर पे गंदगी की टोकरी उठाई होती और तुम सीवरेज के दो घुट पिए होते। दिल पे जो गुजरती है ना बेदर्द जमाना, क्या जाने शबे गम गुजरती है कैसे, कोई महलों वाला क्या जाने, गम कतरा कतरा बहते हैं, दिल होले होले जलता है, हम तन्हा तन्हा रोते हैं, बेदर्द जमाना क्या जाने। आज जो फैसला हुआ है, ये फैसला आपने करने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए था कि ये जो लोग साजिश कर रहे हैं, आपको मालूम है कि इनका जुडिशरी के ऊपर कब्जा है, आपको मालूम है जमीन होल्डिंग के ऊपर किसका कब्जा है, आईएएस लॉबी और आईपीएस के ऊपर किनका कब्जा है, और सभी कारखानों और व्यापारों के ऊपर किसका कब्जा है। आज उनके कहने पे हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला किया गया। अरे आपने कभी तो कुछ सोचा होता ये बात कहने के लिए, ये बात करने के लिए। लेकिन मैं ये दुख के साथ कहता हूं कि आज मैं नौजवानों से कहता हूं, उठो मेरी कौम के लोगों, अब तो सोए हुओं को जगा दो, जिसने बाबा साहब के सम्मान को चोट की है ऐसे तख्तों को जला दो। आज हम ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज देश की सरकार को जवाब देना है, आज मोदी की सरकार को बताना है कि वो आरएसएस का झंडा लागू करके ये देश को टुकड़ों में गुटों में क्यों बांटना चाह रहे हो, ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हो। ऐसे कत्ल किया सदियों से जालिम ने हमारा, कभी कातिल बदल गए तो कभी खंजर बदल गए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश प्रेम में तो हम हर जुल्म उठा लेते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर उठा लेते हैं। अब बात आई है बाबा साहब अम्बेडकर की कौम पे, अब हम वो हैं जो कलम छोड़ के तलवार उठा लेते हैं। आओ देश के लोगों, एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। और उन तत्वों को जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये साजिश रची है और जिन लोगों जो सियासी पार्टियों ने ये घिनौना काम किया है, उनके खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहो।